जैसे अपन ने बैलेंस शीट करा था वैसे वैसे ये है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। 11th क्लास के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनते हैं, फाइनल अकाउंट बोलते हैं। या ट्रेडिंग वेडिंग कुछ नहीं बनता, ये कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट कभी भी नहीं बनता है, इसमें ट्रेडिंग और पीएनएल दोनों ही साथ में बनते हैं। और वो भी क्या नाम है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। और एक्चुअल में ये अकाउंट नहीं, इसमें डेबिट क्रेडिट है, ये एक स्टेटमेंट है, इसलिए स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल लिखा है, आगे अकाउंट मैंने नहीं लिखा है। तो ये ओनली स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इस स्टेटमेंट की हेल्प से हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे वन ईयर का, और ये भी हमेशा ईयर एंड पे बनाया जाता है। जैसे बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी का पता चलता है और इसमें प्रॉफिट का पता चलेगा। ओके, तो बैलेंस शीट बाद में बनाई जाती है, पहले स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाया जाता है। इसका ये फॉर्मेट कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल नंबर 3rd और उसका पार्ट नंबर बी, या सेकंड बोल सकते हैं। पार्ट नंबर कौन सा, बी या सेकंड। ए में तो बैलेंस शीट दे रखी है फॉर्मेट, और बी में पीनल का स्टेटमेंट का पीनल दे रखा है, स्टेटमेंट ऑफ पीनल दे रखा है। अब इसमें देखो क्या है, इसमें दे रखा है देखो, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पहले समझ लो बेटा बाद में लिखना। रेवेन्यू फ्रॉम, मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेकंड है अदर इनकम। ये दोनों कमाई है, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी, टोटल रेवेन्यू आ जाएगी। ओके, ये फर्स्ट और सेकेंड को प्लस किया तो टोटल रेवेन्यू आ गई। फिर उसमें से ये फोर्थ नंबर क्या है, एक्सपेंसेस। अब इस टोटल रेवेन्यू में से ये सारे एक्सपेंसेस है यहाँ तक, ये देखो इधर टोटल भी करी है। इस रेवेन्यू में से जब ये एक्सपेंसेस लेस कर देंगे, यानी कि पॉइंट नंबर 3rd में से पॉइंट नंबर 4th लेस कर देंगे, तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और ये जो है कमाई में से खर्चे लेस किए तो प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन अभी इस पे टैक्स लगना बाकी है। कौन सा टैक्स है ये, ये इनकम टैक्स है। ये कौन सा टैक्स है, इनकम टैक्स है। अधिकतर इसकी रेट 30% होती है, 30% की करीब होती है। अरे उस पे और भी कुछ चार्जेस लगते हैं, बट 30% मांगा हुआ वो। और एक्चुअल में क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको दे रखा होगा कि रेट कितनी, वो 30% टैक्स लेस करने के बाद क्या बचेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये आपके बिजनेस का प्रॉफिट है, ये नहीं क्योंकि इसमें से इतना तो गवर्नमेंट को टैक्स जमा करना पड़ेगा। अब इन ये इतनी सारी चीजें है ना, इसमें सबको समझते हैं भाई एक एक का मतलब क्या है अच्छे से। तो देखिए सबसे फर्स्ट आता है हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक्चुअली में नॉर्मल बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल्स है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल्स है, सब बताऊंगा ध्यान से सुनना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल्स है। क्या देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑपरेशन का मतलब जिस उद्देश्य के लिए, जिस ऑब्जेक्ट के लिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया है ना, कि ये चीज खरीदेंगे और इसको बेचेंगे, वो हो गई आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसको बोलते हैं बिजनेस का ऑपरेशन, जिसमें आप जिस उद्देश्य के लिए आपने बिजनेस किया ना, कि ये चीज खरीदेंगे बनाएंगे और बेचेंगे, या फिर बनी बनाई खरीदेंगे और बेचेंगे, ये आपका ऑपरेशन है। ये बिजनेस का क्या होता है, ऑपरेशन। इससे आपको जो भी इनकम होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो आपकी कंपनी अगर मैन्युफैक्चरिंग है, रॉ मटेरियल लेती है और उसे फिनिश गुड्स बना के बेच देती है, जैसे कल एग्जांपल दिया था ना आलू लिए, उसे जो चिप्स है वो बना के बेच रही है, तो वो इस बेचने से जो उसको प्रॉफिट हो रहा है वो क्या हो गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। प्रॉफिट क्या, वो जो इनकम हो रही है, मतलब वो सेल्स, प्रॉफिट नहीं सॉरी सेल्स, वो जो सेल्स है वो क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो नॉर्मली इतने टाइम तक हम सेल बोलते थे, लेकिन कंपनी के अंदर उसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोला जाता है। ट्रेडिंग कंपनी है तो भी आपकी सेल्स क्या हो गई, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या ट्रेडिंग कंपनी है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब हो गया सेल्स। लेकिन सेल्स नहीं लिखेंगे हम इसको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही लिखेंगे। अब आपसे कोई पूछे ना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अगर सर्विस कंपनी है तो सर्विस कंपनी, जैसे ऑनलाइन कितनी सारी ऑनलाइन टीचिंग कंपनीज है ना, जो ऑनलाइन अनअकैडमी वगैरह बहुत सारी है ना, वो टीचिंग प्रोवाइड कराती है, उसके बदले क्या लेती है, पैसे लेती है। तो ये कोई गुड्स तो बेचती नहीं, तो यहाँ पर इसके लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल हो सकता है क्या, नहीं। इसके लिए जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा वो सेल नहीं होगा, वो होगा फीस। जो भी सर्विस दे रहे हैं उसके बदले जो भी फी मिल रही है वो क्या हो गया, इसके लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो
तो आपकी कंपनी कौन सी है? अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या हो गया? सेल्स। अगर आपकी सर्विस कंपनी है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्या हो गया? फीस। लेकिन अगर आपकी फाइनेंस कंपनी है तो लोन वोन देने का काम करती है, बैंकिंग, बैंक के ना सर्विस भी देती है लेकिन मेन ऑब्जेक्ट उनका लोन वोन प्रोवाइड कराना होता है। तो उसके लिए फिर जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है या जो डिविडेंड रिसीव हो रहा है, वो क्या है उसके लिए? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है ये देखने के लिए सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपकी कंपनी कौन सी है। अगर मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग कंपनी है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल्स। सर्विस कंपनी है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब फीस। और अगर फाइनेंस कंपनी है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड या फिर जो डिविडेंड है वो। ओके, इसमें प्रॉब्लम कोई? आगे चल सकते हैं, चलते हैं नेक्स्ट। इनकम फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इनकम फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो चिप्स बनाने का बिजनेस है उनका, चिप्स बनाते हैं और बेच देते हैं, तो उनकी सेल क्या हुई? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लेकिन इसके अलावा वो पर्सन क्या करते हैं? इसके अलावा वो साइड इनकम करने के लिए कुछ और भी काम करते हैं, जैसे उनके पास कोई एक गोडाउन खाली पड़ा था, उसको उन्होंने रेंट पे दे दिया तो रेंट रिसीव हो गया, कुछ पैसे पड़े थे वो कहीं इन्वेस्ट कर दिए, वहां से इंटरेस्ट मिल गया। मतलब ये मेन मेन एक्टिविटी ये थी क्या? नहीं, मेन तो वो है, वो तो चल ही रहा है, वो तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसके अलावा कुछ और जरिया है अगर कमाने का, जहां से इनकम आ रही है तो वो कहां चली जाएगी? अदर इनकम। तो अदर इनकम मतलब इनकम फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, आगे समझ? ठीक है, अब आ जाओ यहां पर। नेक्स्ट क्या है? लेकिन इससे पहले देखो थर्ड पॉइंट आ गया। अब देखो ये आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि सेल हो सकता है, फीस हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव या डिविडेंड हो सकता है, और ये क्या आ गया? अदर इनकम। अब मुझे ये बात बताना, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, कंफ्यूज मत होना सुनना, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना तो आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या हो गई? सेल। और अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो क्या हो गया? अदर इनकम। समझ में आया? लेकिन अगर आपकी कंपनी है फाइनेंस और अब इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो कहां चला जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और इसके अलावा कुछ उन्होंने एसेट वैसे बेच दी और उससे कोई प्रॉफिट हो गया तो वो कहां चला जाएगा? अदर इनकम। आगे समझ? वो डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कौन सी है, वो लिखी भी। ओके, तो इन दोनों को टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल रेवेन्यू। और टोटल रेवेन्यू हो गई है, फॉर एग्जांपल के लिए कंपनी है उसकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1 लाख और अदर इनकम 20,000, तो टोटल कितनी हो गई? 20,000। ये दो कॉलम क्या है? ये करंट ईयर का डेटा, ये प्रीवियस ईयर का, दोनों साथ में इसलिए लिखते हैं ताकि कंपैरिजन हो सके कि बढ़िया हो रहा है मामला या नीचे जा रहा है। पिछली बार सेल कितनी थी, इस बार कितनी है? पिछली बार अदर इनकम कितनी थी, इस बार कितनी है? पिछली बार खर्चे कितने थे, इस बार कितने हैं? ओके, ठीक। अगर हमको क्वेश्चन में एक ही साल का डेटा दे रखा है तो हम फिर करंट ईयर करेंगे, दो साल नहीं करेंगे। ओके, अब आ जाओ इधर एक्सपेंसेस, खर्चे। अब खर्चे में देखो बहुत सारे लिखे हैं मैंने। एक लिखा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, एक लिखा है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, एक लिखा है चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड SIT, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन और अदर एक्सपेंस। एक एक को समझते हैं कि सब है क्या। तो आइए सबसे पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ओनली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए होगा, ट्रेडिंग कंपनी के लिए नहीं होगा। ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम सिर्फ किसके लिए होगा? मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्योंकि ये देखो वर्ड क्या आ रहा है, मटेरियल। ये कौन यूज करेगा? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये ट्रेडिंग कंपनी के लिए भी नहीं होगा, क्योंकि जो कंपनी क्या करती है, रॉ मटेरियल लेती है, प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बना के बेच दी, तो उसने इस साल कितना मटेरियल यूज कर लिया? उसने इस साल कितना मटेरियल यूज कर लिया? वो कैसे? उसका फॉर्मूला है, जैसे एक कंपनी है, ठीक है, उसके पास में ओपनिंग क्वांटिटी में बात करते हैं, ठीक है,
उसके पास ओपनिंग जो उस कंपनी का काम है, फॉर एग्जांपल के लिए वो क्या करती है, किसानों से गेहूं परचेज करती है और गेहूं को उसके बाद फ्लोर मिल लगी हुई है और उसको क्या करती है, गेहूं को पीस देती है, आटा बनाती है अपनी, वो जो भी है पैकिंग करती है अपने नाम से और उसको सेल कर देती है। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, गेहूं से आटा बनाने का उसका काम है और बेचना है। तो अब हमको निकालना है कि इस बार मटेरियल कितना यूज हो गया, तो वो कैसे करेंगे कि भाई हमारे इस साल के शुरू में स्टार्टिंग में ओपनिंग में हमारे पास जो गेहूं पड़े थे वो मान लेते पड़े थे हमारे पास 100 किलो, 100 केजी कम होगा, बड़ी कंपनी 200 केजी पड़ा था, कितना पड़ा था 200 किलो गेहूं पड़ा था। उसके बाद हमने और खरीदा, परचेज मतलब और खरीदा, और हमने खरीदा मान लेते हैं 600 किलो, तो टोटल कितना हो गया 200 पहले बढ़ा था, 600 और साल पूरे में खरीदा, तो टोटल 800 किलो गेहूं हो गया। बट अभी जैसे हम ईयर एंड होने वाला था और हमने जाके स्टॉक में चेक किया तो वहां पर ओनली 150 केजी गेहूं पड़ा, होना कितना किया था स्टॉक के अंदर 800, बढ़ा कितना 150, तो बाकी का कहां गया 650 कहां गया, यूज कर साढ़े छह सौ केजी गेहूं को पीस के आटा बना के बेच दिया, नहीं बेच दिया अलग बात है, यूज कर लिया उसका आटा बन चुका है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है। इसका मतलब ये है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, आपने मटेरियल कितना कंज्यूम किया, ये कैसे आता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ओके नेक्स्ट, फिर आता आपका परचेज ऑफ स्टॉक इन क्योंकि इसमें तो आप क्या करोगे, परचेज करोगे और बेच दोगे, तो आपने कितना परचेज किया, वो आपका खर्चा है ना, अगर आप स्टॉक इन ट्रेड को परचेज करोगे तो खर्चा ही है ना, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। RM नहीं है, देखो क्या है, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड, ये तीन चीजें ली है। चेंज इन इन्वेंटरी मतलब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ये है चेंज इन इन्वेंटरी। ओपनिंग किसकी, फिनिश गुड्स की, WIP की और SIP की, क्लोजिंग भी किसकी, फिनिश गुड्स, WIP और SIP। अब कोई बोलेगा सर रॉ मटेरियल की ओपनिंग और क्लोजिंग क्यों नहीं ले रहे, वो इधर ले चुके हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, हो गया ना। इन्वेंटरी मतलब वो स्टॉक की, इन्वेंटरी की सेकंड लग रहा है, तीन स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन किस किस का, फिनिश गुड्स का, वर्क इन प्रोग्रेस का और एसआईटी, तो उसका चेंज कैसे, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग का, तो वो चेंज अपने आप आ जाएगा, अगर वो प्लस में है तो प्लस हो जाएगा, माइनस में है तो माइनस हो जाएगा। कैसे, फॉर एग्जांपल देता हूं, अगर ओपनिंग स्टॉक पड़ा है फिनिश, इन सब तीनों का मिला के हमारे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा है 100 यूनिट, ठीक है, या 100 रुपी या 1000 कर लो, कुछ भी कर लो, मान लेते हैं ये लो 12000 रुपए ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, और क्लोजिंग पड़ा है हमारे पास 8000, तो आंसर प्लस में आएगा माइनस में, प्लस में कितना 4000, तो वो प्लस हो जाएगा, लेकिन अगर माइनस में कैसे आ सकता है, अगर यहां पर ज्यादा ओपनिंग पड़ा था मान लेते 8000 और क्लोजिंग कितना हो गया 12000, अब ये माइनस का आंसर आएगा ना, तो माइनस वाला माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिक। ओके, फिर आता है आपका नेक्स्ट एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस मतलब जो एम्प्लॉई काम करते हैं ना उसको आप सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन, पेंशन फंड वगैरह बहुत कुछ देते हैं ना उनको, जो भी एम्प्लॉई के ऊपर खर्चा कर रहे हैं। एक्चुअल में 11th-12th के अंदर हम पेनल अकाउंट बनाते थे ना, उसके अंदर तो 2 सैलरी 2 बोनस लिख देते थे, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सबको जोड़ के एक में लिखना है। ओके, नेक्स्ट फाइनेंस कॉस्ट।
हर कंपनी लोन तो लेती है ना, इसके ऊपर पे क्या करती तो खर्चा है ना, डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करना होता है, कोई टर्म लोन ले लिया उस पे भी इंटरेस्ट पे तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, फाइनेंस कॉस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ध्यान रखनी चाहिए आप, वो ये है कि फाइनेंस कॉस्ट में अपन इंटरेस्ट पे करते हैं ना, वो तो लेते हैं, खर्चा है ही, इसके अलावा लोन लेने में जो खर्चा लगा है ना, वो भी फाइनेंस कॉस्ट है। लोन लेने में क्या खर्चा लगा, किसी को कमीशन दिया एजेंट को, स्टाम्प पेपर वगैरह जो डॉक्यूमेंट है उसके खर्चे, तो वो लोन लेने प्रोसेसिंग है ना, लोन को प्रोसेस कराने के जो खर्चे वो भी किसमें आएंगे, फाइनेंस कॉस्ट में आएंगे। लेकिन बैंक में अपने पैसे, बैंक अगर इंटरेस्ट वगैरह पेनल्टी वगैरह लगा रहे हैं वो इसमें नहीं आएगा। बैंक किस पे, अपने खाते पे अगर पैसे मिनिमम बैलेंस वगैरह नहीं है वो इसमें नहीं आएगा, ठीक है, ओके। इसके अलावा अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस में क्या आ गया, जैसे बैंक ने कोई चार्जेस लगा लिए, एटीएम चार्जेस वगैरह जो होते हैं ना वो हो गए, कैरीज इनवर्ड कैरीज आउटवर्ड, मतलब जो इनमें नहीं आया वो सब कहां जाएगा, अदर एक्सपेंसेस। अब इन सब की अपन टोटल करेंगे, अब देखो यहां पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, मतलब मटेरियल कितना यूज किया, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इस बार कितना गुड्स परचेज किया, चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड एसआईटी, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग वो आ जाएगा। एक्चुअली में ये ओपनिंग माइनस क्लोजिंग क्या है बताता हूं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे ना अपन, तो इधर लिखते थे टू ओपनिंग स्टॉक और इधर लिखते थे बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो ये देखो प्लस माइनस ही तो हो रहा है, एक चीज डेबिट में और एक चीज क्रेडिट में, तो हम ऐसा ना दिखा कि हम डायरेक्टली प्लस माइनस कर रहे हैं, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओके। इसके अलावा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में एम्प्लॉय के बेनिफिट आ जाएगी, फाइनेंस कॉस्ट में फाइनेंस कॉस्ट आ जाएगी, हां ये रह गया डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पहले वर्बली सुन, डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, डेप्रिसिएशन तो है ना पुराने जन लिए फिक्स एसेट्स पे, बिल्डिंग पे, फर्नीचर पे है ना, मशीन पे, प्लांट पे है ना, लैंड पे नहीं लगता है ना, भूमि पे नहीं लगता, बाकी इन चीजों पे क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है सब पे। तो डेप्रिसिएशन जो लगता है ना बेटा, ये दो वर्ड है, एक है डेप्रिसिएशन एक है अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन लगता है टेंजिबल एसेट पर, डेप्रिसिएशन लगता है टेंजिबल एसेट पर, टेंजिबल कौन कौन सी होती है, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी है ना, ये सब, तो इन पे यानी कि जो टेंजिबल एसेट है उस पे हमेशा क्या लगता है, डेप्रिसिएशन, क्योंकि एसेट की वैल्यू क्या होती है, कम, हमारे लिए लॉस है, इधर दिखाया है। अमोर्टाइजेशन जो होता है वो लगता है इनटेंजिबल एसेट, मतलब है तो ये भी डेप्रिसिएशन लेकिन ये किस पे लग रहा है, इनटेंजिबल एसेट पर, तो इसको क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन। जैसे आपकी गुडविल जो है उसकी वैल्यू पहले से क्या हो गई, कम, तो लॉस हो गया, उसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं, तो वो जो लॉस हुआ उसको इधर दिखाना होता है, ये एस्टिमेटेड होता है, ठीक है, तो ये हो गया डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। और अदर एक्सपेंसेस आ गए इन सब की टोटल करेंगे तो टोटल एक्सपेंस हो जाएंगे, और फिर क्या करना है ये देखो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा, थर्ड नंबर क्या है, टोटल रेवेन्यू माइनस ये फोर्थ नंबर क्या है, एक्सपेंसेस। तो रेवेन्यू में से एक्सपेंस लेस करेंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब आ,